अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी चीज़ ऑमलेट की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे जो हैं वो यहाँ पर लिए हैं, जिनको मैं फेंटूंगी। उसके साथ ही ये मेरे पास छोटे साइज़ की 3 हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से काट के रखा हुआ है। उसके साथ ही एक छोटे साइज़ का टमाटर था, जिसे मैंने ऐसे काट लिया, स्क्वायर कट कर लिया। 1 टेबल स्पून आप काली मिर्चें इस्तेमाल करें। हरा प्याज है ये तकरीबन इतना हो कि ये आपकी छोटी प्याली बन जाए। उसके साथ ही ये 3 हमारे पास चीज़ के स्लाइसेस हैं, और मैं इसमें साथ में ये सॉल्ट है, तकरीबन मेरा 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। सबसे पहले हम इन अंडों को फॉर्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लेंगे। अच्छी तरह फेंटने के बाद ये हमारे पास 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, जो हमने ऐड करना है। याद रखिएगा, जब आप ऑमलेट बनाएं, कोई भी तरह का सादा ऑमलेट, किसी भी तरह का ऑमलेट, तो उसमें ये आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे तो कुछ अलग ही तरह का, अलग ही टेस्ट का ऑमलेट आपका तैयार होगा। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छी तरह फेंटें। उसके साथ ही हम अपना और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे ये सॉल्ट मैंने आपको बताया था, ये हमारी ब्लैक पेपर पाउडर है, मैंने वो डाल दी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके साथ ही हमारी जो ग्रीन चिलीज हैं, हमने वो डालनी है। टोमेटोज ऐड करने हैं। हमारा जो हरा प्याज काटा हुआ था वो ऐड करें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, हमने पैन में ऑयल गरम करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है ऑयल को, तकरीबन मीडियम फ्लेम पे हम गरम कर रहे हैं इसे। इसके बाद हमने ये ऑमलेट ऐड करनी है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, साथ ही हमने जो ये ऑमलेट की बनाया हुआ था बैटर, इसमें वो डालना है। ये देखिए, ऐड करने के बाद आप इस तरह से इसको स्प्रेड कर दें, ठीक है। और इसको हमने इसमें अच्छी तरह इस तरह स्प्रेड करना है कि आपका जो पैन का साइज़ है उतना ये ऑमलेट स्प्रेड हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं 3 कर रही हूँ, तो ये इजीली ऐसे हो सकता है। और अब हमने इसको एक साइड से पकाना है। फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए। लो करेंगे तो वो उसमें जो ऑमलेट है वो सही तरह जो है पकने में बहुत टाइम लगा देगा, तो हाई फ्लेम करेंगे तो एकदम जल जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। अब यहाँ पर हम अपने ऑमलेट को टर्न करेंगे। नीचे से ये बिल्कुल पक गया है, यहाँ पे इसको टर्न करना है। ये देखिए, यहाँ मैंने ऑमलेट को टर्न कर दिया। उसके बाद मैं अपने चीज़ के स्लाइसेस इसके ऊपर रखूँगी। ये इस तरह से मैंने अपने स्लाइसेस ऊपर रख दिए हैं, और अब इसके बाद हमने इसको टर्न कर लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और अब ये चीज़ जो है, आपको पता है जब थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है तो मेल्ट होती है, तो ये इस ऑमलेट को इस तरह से जोड़ देगी और आपका बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट तैयार होगा। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। प्रेस कीजिए। इसी तरह दूसरी साइड से मैंने इसको पलट लिया, तो दोनों साइडों से हम इसको कुक करेंगे। चीज़ मेल्ट हो के ये आपका ऑमलेट बहुत मज़ेदार तैयार होगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने नाश्ते में। बच्चों को भी दें, तब आपको ज़रूर इंशाल्लाह ये पसंद करेंगे। बच्चों को वैसे भी चीज़ वाली जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी लगती हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल बटन दबाएं। उससे क्या होगा कि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशंस पे आएंगी।
तो दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।